है मेरा दोस्त है। हाय ब्रो, हाउ आर यू? वेरी गुड, एंड यू? हैव यू सीन द वीडियो? वेरी गुड। अपनी पैकिंग शैकिंग करो, समान शमान अपना पैक करो, क्योंकि मुंडा तुहानू गिफ्ट कर रहा है यूएई दा टूर। ज़ुल्कारनैन ते कमल ते बुला रहे ने मैनू ते आपां नू। मैं कहा तुहानू भी बुला लिए, तुसी उत्थे रह के की करना है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, बेहतरीन हैं। वेलकम करते हैं आपको ब्रांड न्यू व्लॉग में। सबसे पहले जाके चैनल सब्सक्राइब करके हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। चैनल को आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, भाई को थोड़ा सा और सपोर्ट कर दिया करें। आज वो उठे हैं और ज़ुल्कारनैन लोग नाश्ता कर रहे हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा लेट सोया था। तो मैंने बोला यार आप लोग कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर और सो जाऊँगा। तो रेडी शेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग निकलेंगे एक जगह के लिए। मैंने रास्ते में से कुछ खाना भी है, आई डोंट नो क्या मिलेगा क्या नहीं, लेकिन स्टिल मैं एक चॉकलेट लेके आया हूँ, अगर उससे गुजारा होता वो तो बुक कर लेंगे। ये है हमारे होटल की खूबसूरत सी एंट्रेंस, यहाँ से आप एंटर होते हैं। और एंटर होते ही यार क्या खूबसूरत व्यू है भाई, आपका सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहा है यार, क्या बात है यार। वाकई में ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन यूएई की एक ख़ास बात है, आप जो भी चीज़ देखते हैं आपको लगता है दिस इज़ द बेस्ट वन, लेकिन उससे भी ऊपर एक और चीज़ होती है ब्रो, ये बड़ी ख़ास चीज़ है और ये है इसकी एंट्रेंस। जस्ट वाओ, जब आप वहाँ पर आते हैं तो आपका एक खूबसूरत सा वेलकम किया जाता है, जिसमें बंदा कहता है वेलकम टू पार्क यार सर। ओ सामने सारे रूम्स हैं, ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 300 या 400 रूम्स होंगे। ये सामने है इनका प्यारा सा पूल और इस साइड तो ये सारा बीच एरिया है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस रिज़ोर्ट की अपनी प्राइवेट बीच है, यहाँ से आप उस साइड पर जाएँ वहाँ पर बीचेस एरिया, वहाँ पर आप नहा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और ये है बीच हाउस कैफ़े, यहाँ पर आप रात को बैठें, शीशा पीना चाहते हैं तो आप शीशा पिए, खाना वगैरह खाएँ और रात को ठंडी हवा चल रही है आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। और ये सामने है विलास, ये सारा विलास का एरिया और यहाँ से लेके तकरीबन वहाँ तक जो है ना ये सारे रूम्स हैं। और रूम्स इनके इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, जिस दिन मैं आया था उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि इनके रूम्स बहुत 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 अच्छे हैं। अब मैं आपको इंडोर एरिया दिखाता हूँ, इनका इंडोर एरिया भी बहुत खूबसूरत है। और ये है इनका रेस्टोरेंट जहाँ पर हम लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसका नाम है दी कैफ़े। दिस इज़ द लॉबी सिटिंग एरिया एंड अच्छा उसी हूँ खिसकाँगे बाहर, बाहर खिसक के ज़ुल्कारनैन लोग मेरा वेट कर रहे हैं। है मेरा दोस्त है। हाय ब्रो, हाउ आर यू? वेरी गुड, एंड यू? हैव यू सीन द वीडियो? वेरी गुड, आई विल पोस्ट इट टुडे, डू वॉच इट। श्योर, आई विल, इंस्टाग्राम। आई गिव यू माय इंस्टाग्राम? यस, आई विल लॉग इन टुमारो। या ओके, थैंक यू, सी यू। थैंक यू सो मच। नाइजीरिया तो आया था, मैं बड़ा शुक्र लाया तो साड़ी गड्डी केड़ी है, मैं अपनी गड्डी फाइंड आउट कर रहा हूं। साड़ी गड्डी या तो ए ली है या वो वाली है, मेरे ख्याल ना ए वाली हुई है। गाड़ी में बैठ चुका हूं और निकल पड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं यार आज, क्या सीन है? आज अभी जाना है एमिरेट्स पैलेस। अच्छा, उसके बाद जाना है हम लोगों ने डेजर्ट सफारी। तो वो इंडोर स्काई डाइव का क्या किया है जो कल रह गई थी? नहीं अब वो कब होगी, कब होगी? 12 बजे तक तू आया गाड़ी में बैठने? 12 बजे आया, 2 बजे वहाँ से फ्री होंगे, 3 बजे डेजर्ट सफारी है। 3 बजे क्यों जाना है डेजर्ट सफारी, तो शाम तक होता है वो। 3 बजे जाना है, घंटा डेढ़ का सफर भी है भाई। अब मेरा दिल है फिर आउटडोर स्काई डाइविंग करेंगे और उसी में देखेंगे, इंडोर तो मेरे ख्याल में हो नहीं पानी। लेकिन खैर 12 बजे में आया हूँ, अभी भी 7 घंटे पड़े हुए हैं दिन ढलने में, उसके बाद रात भी पड़ी हुई है। हम लोग आ चुके हैं जी एमिरेट्स पैलेस, और ये पैलेस देखकर तो मैं परेशान हो गया हूँ कि यार क्या शशके बनाए हुए हैं। दुनिया में अगर असल शशके किसी ने बनाए हुए हैं ना तो वो शेखों ने बनाए हुए हैं, अरबियों ने। ऐसी ऐसी चीज़ बना दी है कि बंदा देखता है और परेशान हो जाता है। ये मैं बाहर से देख रहा था बस शॉर्ट के, यार ये क्या महल है, ये क्या बनाया है। अब यहाँ पर हम लोग आए हैं, हमारी बुकिंग के ऊपर तो लिखा हुआ है स्पीड बोट एट एमिरेट्स पैलेस, लेकिन समझ नहीं आ रही कि स्पीड बोट का इधर क्या सीन है क्या नहीं, अभी वही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीड बोट से क्या सीन होगा और कहाँ हम लोग जाएंगे। ये ज़ुल्कारनैन इन्फॉर्मेशन ले तो रहा है, उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या सीन है इसको भी। हाँ क्या कह रहे हैं? Keep on when you go out of the main exit of the hotel, okay, just take right and keep on going. Leave the first gate that you encounter that has security and go to the next one. This is the marina. So this is where we have to go.
अच्छा वो गेट नंबर 3 बाहर है ना, राइट? वही मैं भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर तो होटल वाली साइड है। अभी हम लोग बाहर जाएंगे वापस, वहाँ से गेट नंबर 3 से मरीना जाएंगे, मरीना से फिर हमें मिलेगी बोट। बोट में क्या करना है अभी जाके देखते हैं। लेकिन क्या खूबसूरत होटल है यार, यू नो यूएई में एक से बढ़कर एक चीज़ है। आपको लगेगा कि ये सबसे खूबसूरत चीज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ आपको दोबारा मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों को बोल रहा था इसका जो बाहर का व्यू है वो बहुत 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 खूबसूरत है। ये देखे जी, हाय हाय हाय, ये सामने बड़ी प्यारी मर्सिडीज़ खड़ी है, सामने इसके बहुत खूबसूरत व्यू है। वी आर गोइंग ऑन द मरीना साइड, और मरीना साइड जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या व्यू होगा। मरीना के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं और एक गाड़ी हमें पिक करने के लिए आ चुकी है। गाड़ी पर हम लोग बैठेंगे और जाएंगे प्राइवेट स्पीड बोट के लिए, और सामने खड़ी है एक खूबसूरत सी फरारी। वाह, एमिरेट्स पैलेस की मैं बात कर रहा था, वो है बिल्कुल सामने यार, क्या खूबसूरत व्यू है। इसके ऊपर साढ़े साइन करवाए जाएंगे 1200 दिरहम की प्राइस। उन्होंने कहा साइन करो, जो तुम्हें कुछ हो गया तो इसे जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अल्लाह खैर करे सानू की होना। ऐसा भैड़ा सिर वजह ना मेरा उत्ते समझ नहीं आई है। दोनों मेरे भरा भी आते ने, ब्रो आई ओके, मैं क्या ओके है सानू की होना भाई जान। ओए हाय हाय हाय, क्या कमाल कमाल की स्पीड बोर्ड्स है भाई, आज तो काले शाह ही होके बाहर निकलेंगे। नहीं निकलना, क्यों भाई छपड़ी पाकिस्तान च इंज दी कश्तियां वेखन नहीं लभदियां, बाहर आके ना दिल ठंडा कर लेता। चलिए जी, लेट्स गो। ये है जी हमारी आज की स्पीड बोट, इस पे बैठेंगे और जाके देखेंगे सी के मजे। यार ये भी बड़ी स्पीड में चलती है, पता आपको? मेरे ख्याल से इसकी 100-150 की स्पीड होती है। मैं जब भी बैठा हूँ ना, बेड़ा गर्क कर देती है, बाल ओ पे ने, कपड़े ओ पे ने, हर शे तबाह कर देती है। टॉप स्पीड ऑफ दिस बोट 90 किलोमीटर। And can you make it to 150? I will try. Okay, okay. 150 ji mazaa hai bhai jaan. Hai dono bag ne agge meri jagah agge si to dulkan hai meri jagah te jaake beh gaya to maine captain sahab se request ki ke bhai jaan mainu apne naal baalo, mainu bahut dar lagta speed board to. Ab main baitha hu captain bro ke saath aur hum chalayenge dono ikatthe milke kya speed board. Accelerator ji aur ye iska steering hai aur bhai ne gaane shaane laga ke full mahol bana diya hai, apan jayega abhi enjoy karne. And dance a village clown moves, nobody's stopping our groove. Oh, that's good, it's just you and me. And moving up with your moves. अभी वीर हमें zigzag करके दिखा रहा, वहां से लेके आया और पूरा zigzag किया भाई ने। आए हाय हाय, तो भरा को इंटरनेशनल लाइसेंस है स्पीड बोर्ड चलाने का। एवी नहीं साडे यार, तो सब बगैर ही गाड़ी चलाई जा रहे। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यार बड़ा मजा आया स्पीड बोर्ड का, तो वापस जाएंगे होटल फ्रेश होंगे, फिर आप देखेंगे अगली एक्टिविटी केड़ी करनी है। दसना नहीं पहले, मैं तो नाल नाल दसांगा, पहले दस दे तो सरप्राइज भुख जाना यार। एजल तो माशाल्लाह आज पूरा ही क्या लग रहा है, ग्रीन एप्पल लग रहा है, क्या लग रहा है एजल? हम लोग जी वापस होटल आ चुके थे और सोच रहे थे कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, क्योंकि जहाँ पे बोटिंग की थी वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सूरज की हवा ऐसी होती है कि सारा पिंडा थोड़ा चिप 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 करने आ जाता है। असं हूँ रेडी शेडी होवे, रेडी शेडी होकर हूँ असी जाना कितने वे, हूँ एक असी ऐसी जगह पर जाना जिथे अरब से तुम आए हो तो हर बंदा जरूर जाता है, तो बड़ी फिट जगह है, वह नाम है डेजर्ट सफारी। डेजर्ट सफारी कर जावे हूँ असं। रेडी होके हम लोग निकल पड़े हैं और मैंने पहने हैं ड्रेस शूज़, साथ में थोड़ी सी ड्रेसिंग मैंने सोचा आज क्लासिक वाली करते हैं, लेकिन साथ मैंने अपने जॉर्डन्स रख लिए हैं। रखे क्यों हैं? वो इसलिए रखे हैं कि वहाँ पर अगर चलना पड़े तो ड्रेस शूज़ ज़रा कंफर्टेबल नहीं है इतने, इट्स जस्ट फॉर लाइक फैशन, तो ये शूज़ मुझे वहाँ काम आएंगे, मैं लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा जरूर पड़ी तो पहन लेंगे, नहीं पड़ी तो गाड़ी में रख देंगे। सबसे पहले आप लोगों ने बताना कि आपका भाई कैसा लग रहा है, कमेंट करके भाई को बता देना कि भाई प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा, मुझे तो पता लग रहा है, आप भी बता दीजिएगा। निकलेंगे अभी डेजर्ट सफारी के लिए। हम लोगों की एक घंटे की ड्राइव है यहाँ से अबू धाबी से डेजर्ट की, ओके, उसके बाद कैमल फॉर्म के बाद हम लोग जो है ना डून बैशिंग करेंगे।
डिलक्स सफारी। ओके, सफारी के बाद हम लोगों का जो है ना वो सनसेट फोटो होगा। ठीक है, कैंप में जो हमारी एक्टिविटी रहती है जो आपके टूर के अंदर इंक्लूड है। हमारा बिल्कुल टूर अलग होगा, मतलब वहाँ पे सिर्फ हम होंगे। प्राइवेट टूर है, मसलन के कोई दूसरी गाड़ी नहीं, कोई दूसरा बंदा नहीं। हम लोग जो है दून बैसिंग कैंप में हम लोग जो है वो साथ हाँ, वो ज्वाइन करेंगे लेकिन वैसे अलग होंगे। वैसे टोटल थ्रू आउट हमारा टूर जो है वो प्राइवेट। ओके ओके, टायर्स की हवा कम की जा रही है ताकि इजीली जो है ना सफारी हो सके। अभी हम लोग आ चुके हैं कैमल फार्म में, और ये कैमल फार्म है, यहाँ पे रखे हुए हैं ऊंट शूट साढ़े तो वड्डी इतने ही नज़र आते हैं, इतने तुम्हें पूरा साल नज़र आएंगे। अच्छा, वो जो रेस होती है इनकी के अंदर जो सबसे बड़ा कैमल रेस ट्रैक है वो अच्छा जो कैमल रेस ट्रैक है वो उस डेजर्ट में होती है। अब मैंने मूवीज में देखा हुआ है अभी तक, मैंने अपना रियल में इसमें कतर बहरीन अच्छा मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आते हैं सब जो है वहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं, फिर वो जिस कंट्री के जीतते हैं वो अच्छा अच्छा वो प्राइज मिलता है, जिसमें गवर्नमेंट इन लोगों को पैसे भी पे करती है और दूसरे में गाड़ियां पे करती है, और उसी की वजह से फिर जो नॉर्मल कैमल है उसकी तो तकरीबन 10,000-15,000 कैमल की प्राइस होती है, लेकिन जब रेसिंग कैमल विन करता है वो प्राइस 2-3 मिलियन तक। ओ अच्छा, मैं चेक कर रही हूं अपनी ऊन क्योंकि इन्हें लेके जाना है वड्डी रास्ते आपा पाकिस्तान वड्डी है कि जहाज से चला जाएगा। ए ना दिस और तेरी हो वो पीछू आए ही हो पता की कह रही है आगे कहता मनु भी लाइयो कहता मैं डंकी ला के आए हैं ते रुपया ने इत्थे बन लिया। ओके भाई ने अपने फेवरेट स्पॉट पे गाड़ी रोकी है। ओए होए होए, ये है सनसेट का व्यू यार, क्या कमाल चीज है यार। मैंने दुबई में भी की हुई है सफारी, लेकिन ये जो आज हम लोग कर रहे हैं ना ये कोई नेक्स्ट लेवल चीज है। ये जो हमारे साथ भाई है ना इनको 10-15 साल हो गए, तो ये हमें जो बिल्कुल बेस्ट चीजें है ना वो करवा रहे हैं, बेस्ट स्पॉट्स है ना वहाँ पे लेके जा रहे हैं। ये देखें, हाय हाय, बैठे हुए थे ना अंदर तब भी ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन वो गाड़ी में फील ही होता, लेकिन सामने से देख के तो लगता है कि भाई बड़ा डेंजर है। ताई ने सारे कपड़े गंदे कर लिए हैं, और देखो ताई का सनबर्न हुआ है और बेचारा लाल हो गया। ओए ताई ताई, ऊपर चढ़ने के लिए इतना ज्यादा जोर लगाना पड़ता है कि अगर मैं इधर ये पाँव रखे ना, ये देखे पूरा पाँव मेरा अंदर चला गया, आधा सांत मैंने उन्हें चढ़ाते है। भाई अभी कर रहे थे, और माशाल्लाह से भाई जितने हॉलीवुड के और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं ना सबको भाई लेके आते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं बॉलीवुड के और अमेरिकन एक्टर्स को भाई लेके आते हैं, क्योंकि भाई का एक्सपीरियंस है 20 साल का, राइट? थैंक यू। लेकिन यार बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है, बड़ा माहौल बन रहा है, जो जो शाम होती जा रही है ना इतने हवा चलती जा रही है, लेकिन असी टाइम सिर निकलीए क्योंकि जे असी इतने रह गए तो इतने सानू पानी भी नहीं लभना, तो फिल्मी कम सीन वो फिल्मी सीन सच हो जाए ना कि रेत तो पानी भी नहीं लभता, नेड़े तेड़े शह भी कौन नहीं है, असं चुप करके चलिए कैंप। कैंप में हम लोग पहुंच चुके हैं जी, ये है कैंप की एंट्रेंस, और यहाँ पर अभी हमारा डिनर होगा और 2-3 बड़े मज़ेदार किस्म के शो हैं वो यहाँ पर शो भी होंगे। हाय हाय हाय, कुछ ये बैठने की जगह बनाई हुई है, और वो सामने है वॉशरूम वगैरह, और ये है आउटडोर बैठने की जगह।
यहाँ पर हम लोग बैठेंगे और बैठ के शो देखेंगे। इस सामने स्टेज पर शो चलता है, भूख लगी हुई है, बुफे लगेगा तकरीबन एक घंटे या आधे घंटे बाद। ये सामने है टी कॉफी का सेशन, यहाँ पे टी कॉफी हम लोग ले सकते हैं जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। मैंने भाई को बोला मुझे लगी हुई है भूख, तो भाई कह रहे हैं भाई पहले जाओ थे जाके फलाफल खा ले, ये बात चुकाएगा तो मुख जाएगा, आप चले जाके फलाफल खाने। हेलो हाउ आर यू, कैन यू हैव प्लीज वन फलाफल? भुख मैंने बड़ी डाढ़ी लगी है तो मेरा दिल ने फलाफल खा के मिटा लिए। ये मिल गए हैं जी अपने फलाफल, मैंने सऊदीया में खाए थे ये फलाफल जब मैं उमरे पे गया था, लेकिन आज दोबारा खा के देखूंगा किस तरह के होते हैं। अच्छा यार मजेदार है। वाह जी वाह, ये है यूएई के मजे। वाह जी वाह। ये माशाल्लाह इतनी एक्सपर्ट हो गई है कि खुद वीडियो बना रही है, ये देखो। ओए टेडू, फाइनली द शो इज ओवर और अभी इन्होंने लाइट्स बंद की हैं 5 मिनट के लिए, वो इसलिए करते हैं कि आप जरा स्टार गेजिंग एंजॉय कर सकें। बहुत थक गए हूँ, मेरे आज कंधे दुखना शुरू हो गए हैं यार। जुल्करनैन यार मैं एक चीज सोच रहा था भाई। भाई यार आपा को और अम्मी को तो आप दोनों बुला रहे हो दुबई, राइट? और उनकी फ्लाइट भी हो गई है। फ्लाइट भी करा दी है? मुझे तो बताता है यार तूने, मुझे फ्लाइट का तो बताया नहीं है। जब मैंने कल बात की थी ना तभी मैंने एजेंट को भेज दिए थे वीजा उनके लगने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि उसी टाइम फ्लाइट भी निकाल दे, अगर ज्यादा लेट करता ना फ्लाइट तो रेट बढ़ जाने, तो मैंने रातों रात ही सारा काम डाल दिया। यार मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं ये सोच रहा था, इधर आया ना बात सुनना, उसको करने दे कॉल जिसको कर रही है, उसने किसी को नहीं करनी। नहीं गिरती नहीं है, चल ठीक है उधर ही खड़ा रहा भाई, डिग्गी ना हो तो मेरे सिर पै जाना कि इन्हें सुटती है, तो हजे शरारती बच्ची ने डिगना आवे तो कम है बंदा मुझे फोन दे यार। एवी हेलो हाय हेलो हाय हेलो हाय चली जा रही है। यार मैं कह रहा था कि तुम दोनों बुला रहे हो अम्मी को और आपा को, मेरा दिल है मैं भी खर्चा थोड़ा जा कर लेना और अब्बा जी को बुला लेते हैं। क्या कहता वो देख, वो भी कह रही है ठीक है। खाना ऑर्डर कर रही है, कहती आइयो मेरे डायपर दो पेरो। यार नहीं मुझे पता है अब्बा जी ने ना करनी है, लेकिन अब्बा जी को मना सकता हूँ। क्या कहता करूँ ना यार, मैं कह रहा हूँ अम्मी और आपा आ रही हैं, अब्बा जी को भी बुलाते हैं, अब्बा जी को भी दिखाते हैं कि जी यूएई का कितना कमाल का माहौल है, फुल जबरदस्त सीन है। तुझे पता है अब्बू ने ना व्लॉग में आने से किया हुआ मना, आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा जिसमें अब्बा जी ने बोला था कि भाई मैं आज तो बाद नहीं आना। तो मेरा दिल अब ये है कि अब्बा जी को मनाता हूँ और अब्बा जी को गिफ्ट करता हूँ यूएई का टूर, और जब वो इधर आ जाएंगे फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब्बा जी अब व्लॉग में भी आ जाएं, क्योंकि आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, और लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स किए थे अगर अंकल ना हुए तो हम व्लॉग नहीं देखेंगे, अंकल को जाके बता देना। तो मेरी बात हुई थी अब्बू से, लेकिन इसके रिलेटेड बात नहीं हुई, लेकिन मेरा दिल है मैं यही काम करता हूँ। अभी मेरा दिल है अब्बू को जाकर करता हूँ फोन, अब्बू से बात करता हूँ, अब्बू को कहता हूँ कि अब्बा जी क्या सीन है यूएई आना है घूमने के, नहीं पहली दफा में अब्बू ने देख लेना, कहना अब्बू ने कहना नहीं यार मेरा दिल नहीं है, क्योंकि अब्बा जी घूमने के लिए ऐसे ऐसे ही है, पहले बोलेंगे नहीं जाना, लेकिन जब चले जाते हैं ना फिर वो हमारे से ज्यादा इंजॉय करते हैं, जाके पूरा फील लेते हैं। तो मैं अब्बू को करता हूँ अभी जाके फोन, अब्बू से बात करता हूँ और अब्बू को कहता हूँ कि आपका पुत्र आपको यूएई का टूर गिफ्ट कर रहा है, तो मैं उन्होंने कहना कि रेडी हो जो आन आस्ते, तो मैं चलना अपने रूम दे विच ऐ टेडू नू संभाल। ओए ओए तेरा त्या था मैं इन सब चीजों के साथ यार, तेरा त्या था मैं यार, ओए ना टरो ना टरो टट्टू ना, ओते बाय 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 से बाय बाय एदल बाय यार बाय छोड़ दे। ओए 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 एजल ने पोती की हुई इतनी गंदी स्मेल आ रही है यार। फोन मिला दिया जी, और मेरे सामने एक ऐसा बंदा बैठा हुआ जिसको मैं घर पे क्लीन शेव करवा के छोड़ के आया था। उस्ताद जी वेखो सही कैसे थोड़े पैसे तो बचाए ने ना, सारिया गल्ला छोड़ो पैसे बचे ने तो सोने भी लग रहे हो, वे इंज लग रहे जिवें जवानी वापस आ गई है तेरी, देख रहे हो? मैं क्या मैं सोना शुरू तो ही हूं निखार आया। हां जी ते असी लेंदे ना थोड़ा निखार, ਭਾਵੇਂ ਡੇਢ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਮ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਵਾਮ ਤੇ ਕਾਮਨ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਛੋੜ, ਅੱਬੂ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕੀ ਰੁਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਨਾ ਜਰਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਹਾਂ ਫੋਨ।
जहाज असल गुजरात हल्दी जाता नहीं ना जो गुजरात हल्दी जाता हूं मैं कर देना सी बाय बाय तू खिड़की तो बहार हाथ कड लेगा कढ़ने नहीं देना उस्ताद जी एक मैं ब्लॉग सोचे है जिद च खाली खिड़की चो बहर नहीं कढ़ना हाथ तुहाडे भरा ने 13-14,000 फुट तो जहाज तो छाल मारनी है आप भी कमेंट करके बताएं कि मैं वो कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ जो मैं जाके करने वाला हूँ इशारा तो अल्लाह पे करना लेकिन फिर भी गैस कर लो चल यार अब्बू से तो बात करवा यार मैं थक गया यार तेरा मुंह वेख वेख के हिम्मत उस्ताद जी हिम्मत जड़ी है ना अल्लाह देगा टेंशन नहीं लेनी है तुहाडे भरा ने पूरा 2.5-3 लाख रुपया ला के वो काम करना है लेकिन कर लेना तुसी वेखो तो सही तुहानू बस आपां वीडियो वहावांगे छड़ दियो छाल मारनी जहाज तो मैं तेन छत तो छाल मरवा देना कराओ जी गल हां जी क्या हाल है शुक्र ठीक ठाक है चवला को सलाम दुआ लेदी हुंदी है क्या हाल है रोज ही तुहाडे नाल गल हुंदी है होनी गल होई है मैं कहा तुहानू जेड़ा है ना जरा अज खुशखबरी दे दिए खुशखबरी केड़ी है पहले नंबर ते ते तुहाडी बड़ी डिमांड आई उन्होंने कहा भाई अगर अब्बू व्लॉग च नहीं आणगे ते असी व्लॉग नहीं वेखना तुहाडे फैन सानू नहीं टिकन दे रहे तां ही मैं अज तुहाडे को पुछे बगैर ही तुहानू सीधा व्लॉग च लैंदा है ते मेरी गल सुनो अपनी पैकिंग शैकिंग करो समान शमान अपना पैक करो क्योंकि मुंडा तुहानू गिफ्ट कर रहा है UAE दा टूर जुल्कर नैन ते कमल ते बुला रहे ने मैनू ते आपां नू मैं कहा तुहानू भी बुला लिए तुसी उत्थे रह के की करना है ओ छड रहन दे तू मैं नहीं जांदा क्यों जी यार अब्बू इंटरनेशनल ट्रिप तुहानू गिफ्ट हो रहे है और तुसी कह रहे हो मैं नहीं जांदा मैं इत्थे ही सही हां ओए मैं तैनू पता है मैं ज्यादा खुश रहना मक्के ते मदीने आओ ते है उमरे उमरे ते भी जावांगे ना इंशाल्लाह लेकिन जेडी मैं तुहानू दस रहा तुसी अपनी पैकिंग शैकिंग कर लो वीजा मैं तुहाडा अप्लाई कर दिता है जदों अम्मी होना ने आना तुसी भी उना दे नाल आ जाना है ते मेरे ख्याल ना अम्मी होना दी फ्लाइट भी जल्दी ही है ते तुसी अपनी शॉपिंग वगैरह करो नकाश साहब नू आखो कि कोई जाके चंगे चंगे कुर्ते या कोई चंगियां पैंटा शर्टा लै आओ पैंटा शर्टा पानियां इत्थे के कुर्ता शर्टा पाना और नहीं नहीं अबू छोड़ने वाली बात नहीं है अब बा मैंने वीजा अप्लाई कर दिया छोड़ना क्यों है अब क्या हो गया ओ चल ठीक रहन दे हो गया तेरा नहीं 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 तुसी जड़ा है ना मेरी गल सुनो अम्मी नू मैं फोन कर देना शॉपिंग वगैरह कर लो ते तुहाडी मैं इन्हां दे नाल ही फ्लाइट करवा देनी है ते तुसी भी इन्हां दे नाल ही UAE पहुंचाना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵਹਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ UAE ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਡਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰੋ शॉपिंग शुपिंग करवान ते तुसी अपना तैयारी फड़ो हां जी अम्मा जी क्या हाल है ठीक है बड़ी एनक पाई हुई है खैर है रात टाइम केड़ी है तुसी उठे सुई च धागा पा रहे हो अबू का भी आना बंद है अबू पता पहला कहते होंगे मैं नहीं जाना बाद मन भी जाते होंगे करके मैं क्या तुम जरा मेरी गल सुनो पैकिंग शैकिंग करो ठीक है सारी पैकिंग करके मैं टिकट थोड़ी देर दे विच तुहानू कन्फर्म करके भेज देना जैसे ही वीज़ा आंदा तुसी कट्ठे इंशाल्लाह आ जाना खैर खैरियत नाल आओ फिर इत्थे मुलाकात हुंदी है चलो ठीक है ओके ओके ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़ बाय बाय अल्लाह अल्लाह
अबू को मैंने ये सरप्राइज़ बता दिया, अभी वो तैयारी श्यारी करेंगे और अब्बा जी भी अम्मी लोगों के साथ हमें ज्वाइन करेंगे। यार ठंडा खाने पीने की वजह से मेरा तो गला ख़राब हो रहा है और गला ख़राब के साथ मुझे बुखार भी हो रहा है। अल्लाह ना करे मुझे बुखार हो जाए, अगर मुझे बुखार हुआ तो मेरा सारा टूर ख़राब हो जाना है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग से प्रणाम दे इजाज़त, कल मुलाकात करेंगे, अल्लाह हाफिज़।